आखिर फ्लिट भाई ने झूठ क्यों बोला कि जैक भैया का कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक कोई वॉइस रिवील की है। अगर ऐसा है तो ये लोग पगला गए जो कि बोल रहे हैं कि जैक एक यूट्यूबर है और उसकी वॉइस रिवील हो चुकी। आप कुछ बोले उससे पहले आप ये क्लिप देखो। इस क्लिप में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जैक भैया ने जो स्किन पहन रखी थी वो एक यूट्यूबर की स्किन है और वो यूट्यूबर यहाँ पर एमसी एडोन है। और राइट साइड में जो मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ वो एमसी एडोन की वीडियो और एमसी एडोन ने जो स्किन पहन रखी है और यहाँ पर जैक भैया ने जो स्किन पहन रखी है दोनों सेम टू सेम है और इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं गूगल पे आ गया हूँ, यहाँ पे सर्च करूंगा डॉक्टर माइनक्राफ्ट स्किन। जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया और एंटर किया तो मेरे सामने जो स्किन आ रखी थी और जैक भैया ने जो स्किन पहन रखी थी दोनों सेम टू सेम थी। तो इसका मतलब समझे दया तुम, नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो देख सकते हो जैक भैया ने स्किन पहन रखी है और राइट साइड में एमसी एडोन ने स्किन पहन रखी है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों की हैंड्स की तरफ देखोगे तो एमसी एडोन ने जो स्किन पहन रखी थी वहाँ पर हैंड में जो येलो कलर है बहुत लो देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जैक भैया ने जो लेफ्ट साइड में वीडियो में आप देख सकते हो कि जो स्किन पहन रखी थी उसमें येलो कलर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सेचुरेशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कॉलर कुछ ज़्यादा ही उभरे हुए दिख रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि जैक भैया एमसी एडोन है और ना ही जैक भैया का कोई यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैक भैया का कोई भी चैनल नहीं है। और रिसेंटली फ्लिट भाई ने वादा किया कि 5 मिलियन पे जैक की वॉइस रिवील हो जाएगी, तो वो 5 मिलियन पे हो ही जाएगी, बहुत 2-3 महीने है तो आपको पता चल ही जाएगा। और हाँ, अगर आपको जानना है कि मैं गेमर फ्लिट भैया के शॉर्ट्स कैसे एडिट करता हूँ और कैसे उन्हें वायरल करता हूँ तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, उसे जान लो और मिलते हैं उस वीडियो के अंदर। बाकी बाय बाय।